अलकुम आप देख रहे हैं इन साइड पाकिस्तान मैं हूँ मोहम्मद जफीर आज तौर तो पे बात करेंगे पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस जो दरपेश हैं और उनका हल क्या होगा ख़ासतौर पर ज़रात के शुबे में आ, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है यार वो आ, मुल्क जो ज़रूरी तौर पर इतना ज़रखेज़ है और उसके बावजूद फूड सिक्योरिटी और फूड के वाले से तहफात हैं लोग आटे के हसूल के लिए अपनी जाने दे रहे हैं आ, क्या वजह है कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका आ, आ, जो कि हमने देखा बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है भारत हमसे बहुत बेहतर है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में खासतौर पर जरात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उस इस चीज़ को अपनी इकॉनमी की एक, एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर लिया और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया इस डिपार्टमेंट में कुछ असलाहत की जा रही हैं और वो क्या असलाहत हैं कैसे ये पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त काम होगा और पाकिस्तान की जो इकानमी है वो बूस्ट करेगी खासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि वो ज़मीनें जो कि बंजर हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई काश्त नहीं हो रही उसको आ, कैसे ज़रखेज़ बनाया जा सकता है और उसमें पाक फ़ौज का किरदार कितना अहम है इस वाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और चूँकि ये एक वाद इदारा है जो बड़ा ज़बरदस्त मनज़म है इंतजामी ढांचा बहुत मरबूत और मनज़म ढांचा है उस, उसकी जो सर्विसज़ हैं वो बहुत अला है तो उन, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और हम अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं ख़ास तौर पर जब हम ज़रात की बात करते हैं और इस फील्ड की बात करते हैं तो उसमें और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या समझते हैं कि कैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो अहदाफ़ जो हम पिछले कई सालों से नहीं हासिल कर सके और वो डिपार्टमेंट्स जिसमें असलाहत नहीं हुई कैसे असलाहत ला कर हम इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं ख़ासतौर तौर पर आज कल आपने सुना होगा और इस पर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इसमें ये है क्या चीज़ और ये कैसे हमारी इकॉनमी को बेहतर करेगी और इसके ऊपर जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और बड़ी जबरदस्त पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको नज़र आएंगी और पाकिस्तान आपको तरक्की की तरफ खुशहाली की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आ, पाकिस्तान का पोटेंशल है ज़रात और तौर पर जो हमारे जंगलात हैं हमारा जो नहरी नज़ाम है दुनिया का बेहतरीन नहरी नज़ाम है उसको कैसे हम काबिल अमल बनाएँगे और उसका कैसे फ़ायदा उठाएँगे और इस पूरे अमल में जब हम बात करते हैं किसान भाइयों की तो उनको उनकी जो शिकायत हैं वो कैसे दूर होंगी और उनको सपोर्ट कैसे मिलेगी और जो हमारी हुकूमतें हैं चाहे वह सूबाई हो या वफाकीकूमत हो आ, वो कैसे प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और खासतौर पर फौज की खिदमत को हासिल करते हुए आ, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में बेहतरी लाएँगे असलाहत लेकर आएँगे इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे वो ज़मीनें जो रियासत की ज़मीनें हैं और लेकिन इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उन जमीनों से फ़ायदा उठाते हुए एक तो बेरोज़गारी का खात्मा होगा लोगों को रोज़गार मिलेगा फूड्स के हवाले से चूँकि उसमें इजाफा होगा और आ, जो फूड सिक्योरिटी है ज़रा पूरी दुनिया दु, में खुराक जो है एक सबसे बड़ा औ, और बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आबादी के लिए तो आ, उसकी जो किल्लत है उसको भी पूरा किया जा सकेगा इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे आज खास तौर पर किस तरह हम इस डिपार्टमेंट में तरक्की कर सकते हैं और किस तरह हमने माजी में तरक्की की अर्ली सिक्सटीज़ में जब हम देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त हमने इस डिपार्टमेंट्स के अंदर असलाहत भी लेकर आए और उसका फायदा भी पाकिस्तान की इकानमी को हुआ आज इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद किसी तारफ़ के मोताज नहीं बिजनेस से उनका ताल्लुक है मुमताज़ दानश्वर हैं खासतौर पर आप उनको नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए देखते हैं और जब हम इकानी की बात करते हैं खासतौर पर जरिए असलाहत की बात करते हैं जरिए अमूर की बात करते हैं उसके ऊपर कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं उसके ऊपर आप उनके तजिए और तबसरे सुनते भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में तश्वीर रखते हैं जनाब नासिर अली शाह बुहारी साहब है, माहिर हैं जरा अमूर के और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फोरम पर भी भरपूर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं खुश आमदी कहते हैं शाह साहब आपको स्टूडियो में शाह साहब सबसे पहले आप, आप डिस्कस करते हैं पूरा मीडिया इस पर बात कर रहा है और ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही बात हो रही है पास्तान की इकानी को लेकर हम तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं हल नहीं बताते चीज़ें बहुत पसेपर्दा जा रहा है पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं थिंक टेंक है रियासत है तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ ले, ले जा रही होती है इन हालात के अंदर ख़ास तौर पर ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है कॉरपोरेट फार्मिंग का ये बुनियादी तौर पे है क्या हमारे नाजर को बताएं और किस तरह ये एक, एक बूस्टर साबित होगा हमारी इस इकॉनमी के लिए आपने सही फरमाया है चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं और फिर उन चैलेंजेस को हल करने के लिए जो साहिब अक्ल दानश और हुकूमतें हैं वो सब मिलती हैं और उस पर जो है अपनी सोच विचार के बाद एक नई पॉलिसी लेके आती हैं हमारी हज़ारत का बुनियादी मसला ये है कि हमारा जो फार्म साइज़ है वो बहुत ही दुनिया में जो एवरेज़ हैं उस पर बहुत ही कम है यानी हमारे पास जो एटी सेवन एट परसेंट जो है वो ज़मीन छोटे छोटे ऐसे जो काश्तकार जिनकी होल्डिंग्स जो हैं वो पाँच एकड़ छः एकड़ पर हैं ठीक है दुनिया की एवरेज जो है वो बारह परसेंट है और जब इस हद तक हमारे पास छोटे छोटे फार्म होंगे तो जो जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल होता होगा फार्मर्स के लिए वो यकीन एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनके इकनॉमिक एक। मीनस ही नहीं होते और दूसरा जो कर्ज़े उनको जो है वो उस सहूलत से नहीं मिल सकते जो कि मिलने चाहिए, मिलने चाहिए और ये एक मसला जो है ये हमेशा से यानी जब से आप मेरी होश से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा फार्मर यही शिकायत करता है कि हमें कर्ज़े नहीं मिलते और उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो अपने तौर पर जो है वो ज़रिए आलात ख़रीद सके ट्रैक्टर ख़रीद सके और फिर सबसे अहम बात यह है कि अच्छा बीज जो है वो इस्तेमाल कर सके ठीक तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक जो सोच की अब ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है वो ये है कि मुल्क में जो एक इकोनॉमिक साइज ऑफ फार्मिंग जो है उसको हम कैसे ला सकते हैं ठीक आपने देखा होगा कि जो डेयरी फार्म्स में जी जी. पाकिस्तान में कॉरपोरेट सेक्टर ने नस्ले और जो एग्रोफूड है आ, और इसी तरह से और जो दूध के इदारे बने हैं उनके आने के बाद बड़े बड़े फार्म सात हज़ार आठ हज़ार दस हज़ार ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गायें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि दूध की पैदावार जो है वो मुल्क में एक जो एक कहना चाहिए कि सिस्टम के तहत क्वालिटी के तहत जो है वो मिलनी शुरू हो गई है अब जो फार्मर है वो तो जो कुछ दूध पैदा करता है अपनी जगह पर लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो बड़े बड़े फार्म्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने ये फार्म शुरू किए दस दस बिलियन पंद्रह पंद्रह बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की और आज उनकी प्रोडक्शन जो है ऐसे भी हैं जहाँ पर रोज़ का सौ टन दूध जो है उसकी पैदावार हो रही है तो अगर वो दूध की पैदावार के सिलसिले में कॉरपोरेट सेक्टर ये किरदार अदा कर सकता है तो क्यों नहीं उसको वो मौका दिया जाए कि वो ज़रात में खुद कफालत की तरफ भी अपना रोल प्ले करे और उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो ज़मीन की है ठीक है और मुल्क में करीब आप ये समझें कि अस्सी मिलियन ज़मीन एकड़ ऐसी है जी। जो कि इस वक्त काश्त नहीं की जा रही और उसको काश्त कर लेने से आपको फौरी तौर पर जो है वो बूस्ट मिल सकता है ठीक है बहुत सारे इलाके जो हैं वो बिल्कुल बंजर हैं और उनके बंजर होने की वजह यह है कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही वरना आप देखें कि चीन जैसे मुल्क में पूरा का पूरा सहरा जो है उसको उन्होंने ग्रीन कर दिया है जी बिल्कुल और उसमें जो चीन में पीपल्स लिब्रेशन आर्मी है उसका किरदार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है कि उन्होंने उसको जो है लीड किया है और उससे उनके जो फूड की किल्लत थी आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीन जो है वो सबसे ज़्यादा फूड सिक्योरिटी का उसको इशू है।, है लेकिन उन्होंने अपने आप को फूड में जो है खुद का फील किया ठीक और उसमें उनकी फ़ौज का जो है बहुत बड़ा किरदार इस तरह और भी कई ममालिक हैं जिनके पास इस किस्म के चैलेंजेस थे उन्होंने उन चैलेंजेस को जो क्योंकि इंडस्ट्री के लिए और दूसरे जो ऐसे शोबे हैं जिसमें आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है बहुत कुछ सरमाया करना लगाना पड़ेगा और उस सरमाए के बाद फिर आपको ये भी है कि उसका रिज़ल्ट आने में टाइम, लगता टाइम है। टाइम लगता है शाहब जो जो आप चीज़ बता रहे हैं जिस तरह आप हमारे नाजरन के लिए ख़ास तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इस माशी जो बुहान एक हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर यानी टेबल के ऊपर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम तरक्की कैसे करेंगे ज़रात के शोबे में हम आगे कैसे बढ़ेंगे या दीगर शोबा जात में ऑप्शन uh, हमारे पास हैं उनको यूटिलाइज़ करना है uh, जिस तरह आपने uh, चीन की बात की उनकी फोर्सेस की बात की हमारे पास भी बेहतरीन फौज मौजूद है हम उनको उनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो आप बात कर रहे हैं आप खुद ज़ार है आप, आपका आप, ट्रेड कैपिटल से ताल्लुक़ है अब इन्वेस्टर तो ट्रस्ट मांगता है ना तो आप किस पे ट्रस्ट करें यानी एक ऐसा इदारा तो आपके दरमियान होना चाहिए कि जो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करें और आपको शोटी हो कि अगले 20 साल आपकी ज़मीन कहनी जा रही अगले 30 साल तक आपके पास ये ज़मीन है आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे और ज़रा उसका इनपुट अल्टीमेटली पाकिस्तान को मिलेगा देखिए हमारे पास एक उसकी बड़ी अच्छी मिसाल मिसाल जो है मिस मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जी वो ये है कि चंद बरस पहले एक साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी ने जो है कोई पचहत्तर हज़ार एकड़ ज़मीन वो इसी तरह जो है फॉरेस्ट्री uh, के लिए देने की कोशिश की थी पाँच सौ एकड़ एक हज़ार एकड़ दो हज़ार एकड़ और उसका मकसद यही था कि कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इन्वाइट किया जाए और बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जो है पूरा प्रोसेस हुआ जब तब्दीली हुई मामला की सियासी तौर पर तो ये कंपनी जो थी ये फौरी तौर पर सबसे पहले उन कंपनियों में जो अताब में आई उनमें यह कंपनी भी शामिल थी हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उनका पूरा प्रोसेस जो था वो इंतहाई ट्रांसपेरेंट था कुछ नहीं मिला उसमें लेकिन यह है कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस हो, हो गई तो अब जो ख़ासतौर पर पंजाब में जो बेरोसी है उसने बहुत सफ़र किया और उनको सबको जो है कोई नैब में किसी को जो है वो एंटी करप्शन में जाके हाजरियाँ पड़ी तो अब वो कोई तैयार नहीं कि कोई किसी किस्म का काम जो है वो दोबारा इनिशिएटिव ले तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई ऐसा अदारा जो उनको हैंड होल्डिंग कर सके और उनके साथ उस प्रोसेस को जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से सके और ये कि जिसमें सब लोगों को खुलेआम हो कि वो शामिल हो सकते हों बायदा वो जो आपकी रेगुलेशंस हैं पेपरा की उनको फॉलो करते हुए लोगों को ज़मीन जो है वो तीस बरस के लिए एलोकेट हो सके तो इस प्लान को और इस प्रोग्राम के ऊपर जो है इनिशिएटिव्स लेने के लिए ये ऐसे सिर्फ कह लेने से तो नहीं होगा ना इसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाना पड़ेगा बिल्कुल सही है अच्छा निज़ाम बनाया जा रहा है जिस जिस तरह आपने कहा अभी हमने देखा हालिया दिनों पंजाब में पैंतालीस हज़ार एकड़ से ज्यादा ज़मीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पाक फौज के हवाले की गई और जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसी तरह के वो मिलकर इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के साथ और हुकूमत खुम, के साथ यानी ब्रिज का किरदार अदा कर रही है फ़ौज ताकि वो जो ट्रस्ट आप कह रहे हैं ना तो वो ट्रस्ट कायम रहे और तो लोगों को तीस साल के लिए ज़मीन मिली है उसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें खुद भी प्रॉफिट लें और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी ज़्यादा इसमें थोड़ी आपकी गलत फहमी है मैं उसकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ ये जमीन फौज के हवाले नहीं की गई है जी जी. ये एक जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट का माहिदा किया गया है जी. जिसमें एक बोर्ड बनाया गया है जी जी. वो बोर्ड जो है उसमें हुकूमत पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो और उनके जो मुतल और सेक्रेटरी हैं वो महकमा जात वो और फौज की तरफ से जो है कुछ लोग जो उसमें शामिल किए जाएंगे जिनका काम सिर्फ ये है कि उस प्रोसेस को जो कि प्रोसेस इनिशिएट किया जा रहा है कॉरपोरेट फार्मिंग को इन, इन, लाने के लिए उसको जो है वो मैनेज करें ठीक लेकिन फौज के पास फिजिकली जमीन की ट्रांसफर हाँ, नहीं हो रही है ओनरशिप नहीं है बिल्कुल ओनरशिप नहीं है exactly, exactly, हाँ, नहीं क्योंकि है। लेकिन जब आप कहते हैं ना हवाले की गई तो उससे लोग अच्छा, हाँ, में चले जाते हैं लेकिन फौज को एक ही जमीन भी नहीं हवाले रही है दोनों लोगों को सिर्फ वो जो जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट बोर्ड है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि ये पूरा सिलसिला जो है ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक पेपरा रूल्स को फॉलो करते हुए जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हों उनको इनवाइट किया जाए वो आके उसमें शिरकत कर सकें और मुल्क में जो है वो फार्मिंग को बकायदा तौर पे मैं समझता हूँ कि ख़ुद पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा जो रिवाइवल है एग्रीटेक का वो शुरू हो गया है और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नौजवान जो हैं उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पर अब ऐसा निज़ाम भी आ गया है कि आप सैटेलट uh, के ज़रिए ज़मीन की जो सिचुएशन है हालात हैं ज़मीन के उनको आप मालूम कर सकें कि ये ज़मीन काबिल काश्त है इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स की जो है कार्बन मटेरियल्स की कमी है या इसमें फास्फोरस की कमी है या इसमें नाइट्रोजन की कमी है ये आप बाकायदा सैटेलट से जो है लोग इसको कर रहे हैं और ये नौजवान है पाकिस्तान के जिन्होंने ये फैसिलिटीज़ ये सर्विसेज देनी शुरू की हुई हैं ख़ुद मैं भी उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करता हूँ और एक नहीं कई कंपनियां जो हैं, हैं हाँ। इस मामले पे आ गई हैं जो ये सहूलतें दे सकें फिर जो इसी तरह से फर्टिलाइजर्स की जो है एक चीज़ वो बायो फर्टिलाइजर्स में ख़ास तौर पे एक रेवोल्यूशन इन मेकिंग है पहले दूसरे तो सरकारी इदारे जो हैं वो काम करते थे फर्टिलाइज़र्स में निगबी है नयाब है नर, सी ने कुछ अपने पा तौर पर जो है पौधों की डेवलपमेंट के लिए काम किया है लेकिन इस वक्त जो आपको मैं बताऊं कि जो असल रेवोल्यूशन है वो वो यूथ की तरफ से जो इसका लोग बाग एग्रीकल्चरल सेक्टर के की तरफ राग़ब हो, हो रहे हैं है। है। और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जी एक मोटिवेशन होती है हमने देखा कि ज़रा थोड़ा सा ओपिनियन भी बनाई जाती है टी वी टॉक शोज हों या वैसे सेमिनार्स हों लोगों को और ख़ासतौर तो पर यूथ को मोटिवेट किया जाता है कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है आ, स्कोप की बार बार बात हम करते हैं तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये ऐसा सेक्टर है जो कि कराची में हम बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनली उनको जानता हूँ कि उन्होंने उन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर आप लाइफ स्टॉक की तरफ जाएंगे तो बड़ा अच्छा मार्जन है इसमें प्रॉफिट भी है और आपको करनी है तो ये चीज़ हमें गाँव देहात में तो नज़र आती थी कि एक गाँव का एक किसान जो है वो तो करता था लेकिन कराची का एक बिज़नेस ज़बरदस्त कारपोरेट का बिजनेस वो कभी फार्मिंग की तरफ नहीं जाता था तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिवेलप हो रहा है आप अग्री करेंगे इस चीज़ से आ, जी देखिए इन्वेस्टर जो है वो तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है और ये एक ऐसी है सेक्टर जिसमें कि छः महीने में आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए जी बिल्कुल और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको छः महीने में जो है मुकम्मल तौर पर ये नज़र आ जाए कि हाँ ये आज मेरी क्रॉप जो है ये डेवलप हो गई है जो आपका बहुत सारे लोग जो हैं वो एनिमल फैटनिंग अब ईद आएगी बकरा ईद की तो आप देखिए कि बेशुमार कराची के बच्चे जो हैं नौजवान कोई पचास जानवर ले रहा है कोई बीस जानवर ले रहा है कोई दस जानवर ले रहा है कि जी मैं इसको ईद के ऊपर बेचूंगा ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है ट्रेंड और अच्छी बात यह मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये शहरों में हम देख रहे हैं गाँव देहात में तो है ही ऑलरेडी वहाँ पर लोग जा रहे हैं इस चीज़ का सहारा लेते हैं अच्छा मैं कुछ ऐसी कंपनियों को भी जानता हूँ जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है ये एग्रीटेक की कंपनियों में इन्वेस्ट किया है ठीक और ख़ासतौर पर ये जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनमें भी और ये जो आपकी सेटेलाइट के ज़रिए उनमें भी आ, और जो फार्म टू मार्केट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि फार्मर जो है उसको जो प्राइस उसके फार्म के दरवाजे पे मिलती है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो अड़तियाँ उससे लेने के बाद जो है मार्केट में जाके बेचता है तो जो महंगाई का एक हम सब इसका शिकार हैं उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें थर्टी परसेंट के करीब तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो जाती है वेस्ट में चली जाती है और अगर वो सप्लाई चेन हमारी मौजूद है और हम उस वेस्ट को बचा सकें तो मार्केट में हमारे पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबलिटी जो है गज़ाई जनाज की वो इम्प्रूव हो जाएगी वो इंप्रूव हो जाएगी इस पर आगे चल के हम बात भी करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन गैप भी आता है फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन और ये जो हमारे पास सिस्टम है इस पूरी आ, खुराक को आ, अपने शहरों तक पहुँचाने में इसके वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं एक चीज़ और चूँकि पॉलिसी मेकिंग की आपने बात की और वो पॉलिसीज़ जिस तरह आपने शुरू में रेफरेंस भी दिया पंजाब में जंगलात के वाले से भी Uh, क्या वजह है कि अब हुकूमत uh, आती है तो हमारी पॉलिसी भी खत्म हो जाती है पिछली हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हम क्यों एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना पाते कि ठीक है हुकूमत किसी की भी आए एटलीस्ट जो हमारी नेशनल पॉलिसी है चाहे वो फूड की हो चाहे वो हमारी ज़रात की हो किसी भी चीज़ की हो तो वो मुतासर नहीं होनी चाहिए उसको आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करें बाकी चीज़ें ठीक है पोलिटिकली आप डिसीजन लें एडमिनिस्ट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं तो वो वह आपका राइट है जी देखें पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव लिया गया था ना एग्रीकल्चर का जी सिक्सटीज़ में वो, वो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो था वो पी ए आर सी का था पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और उसके नीचे और बहुत सारे इदारे थे बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया भर से जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ जा के पढ़ के आए थे अमरीका से खासतौर पर यूरोप से वो यहाँ वापस आए और इन अदारों से हुए और उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई अब हमारी जो पापोलेशन है आज अगर 22, 30, 25 पच्चीस करोड़ को हम टच करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस पापुलेशन के लिए खुराक अब तक जो है उसका हसूल मुमकिन हो सका तो ये चीज़ एक आ, आ, समझने की थी कि वो एक जो उनका तजर्बा था वो कहीं आकर रुक गया है अब वो उस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे ठीक है और एक तो मैंने आपको बताया कि साइज़ नहीं है हमारे फार्मर की होल्डिंग्स का कि वो इन्वेस्ट कर सके और दूसरा इन अदारों के अंदर भी जो है एक अनहता हुआ है पॉलिसी का भी इसमें है अमल और ये कि अब लोग भी जो है वो भी है इसमें यह है कि इन्वेस्टर को भी मोटिवेट करना होगा कि वो कैसे इस तरफ रागब हो सके उसके ऊपर खास तौर तो पर यूथ आ, हमेशा ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिक्सटी फोर परसेंट कुल आबादी का यूथ हैं और वो स्ट्रेंथ हैं पाकिस्तान की और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है एकेडमिया की भी हम बात करेंगे और ख़ासतौर तो पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं वो कितना इम्पेक्ट डालेंगी और उससे हमें क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कहते हैं कि हर जहाँ तबाहकारियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आपके लिए तो हम उनको कैसे कैश कर सकते हैं क्या फा, फायद उठा सकते हम, है, आ, फायदा उठा सकते हैं हम और खास तौर पर जो हमारी एकेडमी है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक